तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपना है किसी का भी आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने जा रहे हैं या बेनिफिशियरी लॉगिन होकर, या फिर जैसे कि आपको बता दें कि अगर अनआइडेंटिफाइड देखने को मिल रहा है उसको आप ऑथेंटिकेट करने जा रहे हैं, यानी कि आधार कार्ड लिंक करने जा रहे हैं और आपके सामने कोई इस तरीके का एरर हो रहा है, फॉर अनआइडेंटिफाइड यूजर्स यू कैन नॉट ऑथेंटिकेट वीआ बेनिफिशियरी लॉगिन, काइंडली अप्रोच ऑपरेटर फॉर ऑथेंटिकेट। इसका मतलब ये है कि आप अगर अनआइडेंटिफाइड देखने को मिल रहा है तो आप बेनिफिशियरी लॉगिन से यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि बेनिफिशियरी लॉगिन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑपरेटर आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप बेनिफिशियरी लॉगिन से ही यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, तो यहाँ अपने अनआइडेंटिफाइड को आप आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ही। तो कैसे आपको इसको अनआइडेंटिफाइड को ऑथेंटिकेट करना है, क्या उसका प्रोसेस है, कौन सा वो ट्रिक है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपको सबसे पहले आपको तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एक लाइक से ही हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है, जिसके वजह से वीडियो बनाने में हम लोग को अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू से बताने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में, आपके पास अगर लैपटॉप है तो भी सही है, अगर मोबाइल है तो भी सही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है बेनिफिशियरी, ठीक है। सबसे पहले आपको टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in, इतना लिखना है, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप बेनिफिशियरी पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे यहाँ आपको देखने मिलता है बेनिफिशियरी और यहाँ पर ऑपरेटर का। तो यहाँ हम ऑपरेटर के माध्यम से नहीं बताने वाले हैं, बेनिफिशियरी के माध्यम से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी को ही सिलेक्ट करिएगा और यहाँ आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप करना है, वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप करिएगा, यहाँ पर वेरीफाई करिएगा तो आपके मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैप्चा कोड आप देख सकते हैं, वही कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल करना, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके पहले आपको लॉगिन हो जाना है। अब जैसे आप लॉगिन होइएगा तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने कोई इस तरीके का इंटरफेस देखने लगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बेनिफिशियरी लॉगिन है। अगर आप ऑपरेटर आईडी हो लॉगिन होता तो यहाँ आपको न्यू एनरोलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, कई आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ भी आपको देखने को मिलता है थ्री लाइन, आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखते हैं गेस्ट लॉगिन देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटर आईडी से लॉगिन होता तो यहाँ पर ऑपरेटर भी लिखा रहता है। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ आपको बता देते हैं कैसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे पहले स्कीम नेम तो आपको पीएमजेवाई को ही सिलेक्ट करना है। देखते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ, पीएमजेवाई को ही सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है, तो जो भी आपका स्टेट है स्टेट को आप टाइप कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेट को टाइप कर लीजिएगा या सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखने मिलता है सब स्कीम नेम, तो आपका जो भी जिसमें नाम है, जैसे BOCW में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में है, पीएम जर्मन PVTG में है, PMJY, AY जो भी जिसमें है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको देखने मिलता है डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, आपको डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट सर्च बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम, रूरल अर्बन, PMJY ID। तो यहाँ आप चलिए हम फैमिली आईडी को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फैमिली आईडी को टाइप करना है, नीचे आपको एक सर्च का ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फैमिली आईडी को टाइप कर लिए हैं, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर उनका नाम आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, यहाँ आपको फैमिली आईडी भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर घनश्याम लिखा हुआ है, तो इधर आपको साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। साइड में इधर स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो नाम है पहला वाला, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आपको कैसे करना है यार, इस पर आप जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा लिंक आधार का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आधार कार्ड को लिंक करना है। कार्ड तो अप्रूव हो चुका है लेकिन इनके आधार कार्ड में यहाँ पे इनके कार्ड में आधार लिंक नहीं है। अब आपको लिंक करने के लिए जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक आधार वाला ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो फिर देखिएगा तो आपके सामने कोई इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सकते हैं बेनिफिशियरी के माध्यम से, लेकिन हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लिंक कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड को लिंक करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई इस तरीके का एरर शो हो जाएगा, फॉर अनआइडेंटिफाइड यूजर्स यू कैन नॉट ऑथेंटिकेट वी आर बेनिफिशियरी लॉगिन, काइंडली अप्रोच ऑपरेटर आईडी ऑथेंटिकेशन।
सन, ठीक है। अब यहाँ पे बिना ऑपरेटर आईडी के आप यहाँ पे आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना है, ऊपर यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक URL, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इसी URL पे क्लिक कर देना है। जैसे URL पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा URL पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको इसी कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और पहले उसको कॉपी कर लेना है। जो कॉपी आप करिएगा बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट यहाँ पे फिर से आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको देखने मिलता है कि एक ऑप्शन यहाँ पे सर्च का, आपको बस इतना सर्च का जो लिखा हुआ है आपको इसी सर्च को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है AA, ठीक है, डबल ए आपको टाइप करना है। ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, तो आपको डबल ए टाइप करना है, फिर आपको टाइप करना है DHAR, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप एक गलती मत करिएगा, डबल ए लिखिएगा फिर DHAAR इतना लिखिएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको टाइप करना है LINK, मतलब आधार लिंक, आपको इतना लिखना है लेकिन इस टाइप से लिखना है, यहाँ पे DHAAR LINK इतना लिखना, और इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसा आप इतना लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं बेनिफिशियरी लॉगिन ही है, यहाँ पे आप देखते हैं गेस्ट लॉगिन ही है और यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आधार, यहाँ पे तो आप लिंक आधार को लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसी तरीके से स्टेट जो भी आपका है स्टेट को सिलेक्ट करेगा। स्कीम नेम में वही है BOCW और यहाँ पे PMJY AY जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे को सर्च बाई का ऑप्शन देखो तो यहाँ पे आधार फैमिली आईडी है, PMJY ID है, तो फैमिली आईडी को ही सिलेक्ट करेगा या फिर आप PMJY ID को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलता है फैमिली आईडी, तो जो आपका फैमिली आईडी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फैमिली आईडी को टाइप करिएगा, टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सर्च का एक ऑप्शन देखें तो आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने को इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और जिनका भी KYC नहीं हुआ रहेगा वही उनका यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, जिनका KYC हो चुका रहेगा उनका हो सकता है यहाँ पे डाटा शो नहीं करे। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे घनश्याम गौतम लिखा हुआ है, तो आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ आपको देखने को मिलता है इस तरीके का ऑप्शन। यहाँ पे कार्ड का जो स्टेटस है वो प्रूफ आपको पहले भी देखने को मिला था, वही आपको फैमिली आईडी देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आधार OTP आपको क्लिक करना है, जिनका भी अगर वेरीफाई हो गया रहता आधार लिंक रहता तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आधार OTP आप सिलेक्ट करते तो यहाँ पे कुछ आपको लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको उनका आधार नंबर नहीं देखने को मिल रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर को यहाँ पे टाइप करना है, टाइप करके वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड किया जाएगा और जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन हुए रहेंगे उस मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड किया जाएगा, तो OTP आप दोनों आपको OTP फिल करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। और नेक्स्ट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर कुछ डिटेल को फिल करना पड़ेगा, फिल कर दीजिएगा। जैसे फिल करिएगा, जैसे KYC होता है उसी तरीके से आपको फिल करना है, फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो आयुष्मान कार्ड का यहाँ पे जो आधार कार्ड लिंक है वो आपके आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा और यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा तुरंत। अप्रूव तो पहले से ही है, वो अभी तुरंत पेंडिंग में चला जाएगा और जैसे ही अप्रूव होता है तब बैग जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।